रत्नत्ते त्रिरत्न संघो सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो यायपटिपन्नो भगवतो सावक संघो सामीचीपटिपन्नो भगवतो सावक संघो यदिदं चत्तारि पुरिस युगानी अठ पुरिस पुगल्ला ऐस भगवतो सावक संगो आहु नेओ पाहु नेओ दक्षिणी नेओ अंजलि करणियो अनुत्तरं पुय्यं खेतं लोकसाती। ये जो त्रिरत्न में जो तीसरा रत्न है संघ यानी संघो, इसमें जो संघ है उसके गुणगान बताए गए हैं। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो। सुपटिपन्नो, सुपटिपन्नो का मतलब है सु माने अच्छा बढ़िया, पटी माने होता है प्रीति, और पन्न या पन्नो, पन्न का मतलब होता है गो डाउन यानी नीचे गिरना, और अगर नीचे गिरने को पटी पहले लगा दें यानी प्रीति पन लगा लिया तो ये ऊपर उठना हो जाता है इसका उल्टा। इसका मतलब है कि ये अच्छी तरह से अच्छे मार्ग पर आरुण है यानी अच्छे मार्ग पे ऊपर की तरफ जाता हुआ है। क्या है? सावक संगो, भगवतो सावक संगो, यानी कि भगवा का, भगवान का, भगवान बुद्ध का जो सावक संघ है। सावक संघ का मतलब है जो श्रमण लोग हैं यानी जो साधु हैं, जो भिक्खु हैं। सावक का मतलब शिष्य होता है। जो सावकों का संघ है वो उचित ऊपर की तरफ आरूढ़ है यानी कि वो ऊपर जा रहा है। उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संगो। उजुपटिपन्नो, उजु माने होता है, उजु को संस्कृत भाषा में कहते हैं रिजु। रिजु माने होता है सीधा और सरल, यानी कि ये सीधा सरल ऊपर जाने वाला आरूढ़ है रास्ते पे। क्या है? भगवतो सावक संगो, भगवान का सावक संघ है यानी कि जो शिष्यों का संघ है, जो भिक्खुओं का संघ है वह है। याय पटिपन्नो भगवतो सावक संगो। याय माने होता है विधि या पद्धति या नियम के हिसाब से जो याय होता है, यानी कि ये याय पटिपन्नो, ये नियम पे आधारित है, विधि पे आधारित है, न्याय पे आधारित है, जो ऊपर जा रहा है सावक संघो ऐसा आरुण है भगवान बुद्ध का, यानी भगवान बुद्ध का सावक संघ विधि और न्याय पद्धति के आधार पर चलता है। सामीची पटिपन्नो भगवतो सावक संघो। सामीची पटिपन्नो, सामीची पटिपन्नो, सामीची का मतलब है उचित मार्ग, उचित रास्ते पे यानी प्रॉपर वे। सामीची पटिपन्नो, इसका मतलब ये है कि ये जो भगवान का सावक संघ है, जो भिक्खु संघ है, भिक्खुनी संघ है, ये उचित मार्ग पे चलता है, उचित रास्ते पे चलता है, राइट वे पे चलता है। यदिदं चत्तारी पुरिस युगानी। यदिदं चत्तारी, यदिदं का मतलब है जो यह है। यदिदं माने वॉट एवर दिस, यानी जो यह है। क्या है? चत्तारी यानी कि चार पुरुष युगानी। पुरुष युगानी का मतलब है जो पुरुष और पुरुष जो बोलते हैं, इसका मतलब है कि एक व्यक्ति है और युगानी माने उसका जोड़ा है यानी व्यक्तियों का जोड़ा। अट पुरुष पुगल्ला, और आठ पुरुष पुद्गल हैं यानी कि पुगल्ला है। अब ये आठ पुरुष और पुगल क्या होते हैं, ये अगर आपने टीम 22 पे वाले वीडियोस देखी हैं तो उसमें जितने भी भिक्खु हैं या भिक्खुनी हैं, वो जो मेहनत करते हैं और वो जो वहाँ दिन रात विपश्यना करते हैं, साधना करते हैं, और सारे भिक्खु और भिक्खुनी के जो नियम हैं उनको मानते हैं और धम्म को सीखते हैं, तो उनका एक उद्देश्य होता है कि उनको उसका रिजल्ट मिलना चाहिए, उसका परिणाम आना चाहिए जो वो मेहनत कर रहे हैं। तो जैसे जैसे भिक्खु या भिक्खुनी मेहनत करते जाते हैं, वो सबसे पहले सोतापन्न होते हैं,
या सोतापन फल के रास्ते में वो होते हैं, या तो उसको प्राप्त कर चुके होते हैं या उसके रास्ते में होते हैं, बढ़ रहे होते हैं। तो यहां इसको बोलेंगे दो पुरुष पुगलिंग, यानी कि एक ऐसा युग्म है कि व्यक्ति उस रास्ते पे आगे बढ़ रहा है और कुछ व्यक्तियों ने प्राप्त कर लिया। तो दो बातें ऐसा हो गई। फिर होता है सोतापन के बाद में आता है सकदागामी। सकदागामी में या तो सकदागामी का फल प्राप्त कर लिया है या उसके रास्ते पे चल रहा है, यानी दो फल यहां हो गए, या तो चल रहा है या पहुंच चुका है। फिर आता है अनागामी। अनागामी का है या तो अनागामी के रास्ते पे आगे बढ़ रहा है भिक्कुर भिक्कुनी, या अनागामी फल प्राप्त कर चुका है, अनागामी हो चुका है। और फिर आता है अरहत, यानी या तो अरहत के रास्ते पे वो चल रहा है और या वो अरहत होने वाला है या हो चुका है। तो इस तरह से 4+4 8 जोड़े होते हैं, या तो फल को प्राप्त कर रहा है या फल प्राप्त के रास्ते में बढ़ रहा है। इसको 8 पुरुष पुद्गल बोलते हैं, यानी कि जो व्यक्ति हैं जितने भी समूह में हैं, भिक्कु और भिक्कुणी जितने भी हैं, वो इन 8 अवस्थाओं में हैं। या तो सोतापन्न होने जा रहा है या सोतापन्न हो चुका है, या सकदागामी होने जा रहा है या सकदागामी होने हो चुकी है, या अनागामी होने जा रही है या अनागामी हो चुका है, या अरहत होने जा रही है या अरहत हो चुका है, यानी जितने भी हैं वो इन 8 में से होता है। तो वो कहते हैं भगवान बुद्ध का जो श्रावक संघ है वो ये इन 8ों में से ही है, यानी जितने भी ये श्रावक संघ हैं, ये 8 जो पुरुष युगानी हैं, इन्हीं में से वो हैं। इसका मतलब यहाँ ऐसा होता है, ऐसा भगवतो श्रावक संघो, ऐसा भगवान बुद्ध का श्रावक संघ है, यानी शिष्यों का संघ है, जिसमें 8 तरह के लोग पाए जाते हैं, 8 तरह के भिक्कु या भिक्कुणु पाए जाते हैं। आहुनेयो या आहुनेयो, इसको कहीं बोलते हैं आहुनेयो और कहीं बोलते हैं आहुणेयो। ये जो शब्द है ये बेसिकली आहुणेयो है। आहुणेयो का मतलब है, एक होता है आ, अगर इसमें से हटा दें तो ये बनता है हरण, यानी आहुणेयो का मतलब है आ हरण और योग्य, यानी हरण माने होता है ले जाना, और अगर आ पहले लगा देते तो आ हरण हो गया। आ हरण का मतलब होता है लाना, जैसे गच्छति का मतलब होता है जाना और आ गच्छति का मतलब है आता है, गच्छति का मतलब जाता है, ऐसे ही हरण का मतलब है ले जाता है, किसी चीज का हरण कर लिया तो ले जाता है, और आ लगा दिया उसमें, आ हरण किया तो लाता है। तो यहां जो ये शब्द है आहुण्यो, इसका मतलब है कि वो लाने के योग्य हैं, बुलाने के योग्य हैं, यानी कि उनको बुलाया जाना चाहिए, वो इतने अच्छे हैं कि उनको बुलाने के योग्य माना जाता है। फिर आता है शब्द पाहुण्यो। आपने सुना होगा पाहुण्यो के बहुत सारी जगह आज भी चलता है, खासतौर से पूर्वी उत्तर प्रदेश के अंदर और उस क्षेत्र में और हरियाणा के अंदर चलता है, कहते हैं ये हमारे पाहुने हैं, ये हमारा पाहुना है, ये हमारे पाहुना है। पाहुना का मतलब है कि ये सम्मानित हैं, और ये जो हमारे मेहमान हैं ये कोई खास मेहमान है जिनको सभी लोग सम्मान देंगे, कोई भी वहाँ आएगा वो पाहुने को सम्मानित करेगा। बाद में कुछ लोगों ने पाहुने का पाँव छूना बना दिया, कह रहा जी ये सम्मानित है इनके पैर छुओ, यानी पाहुने को पैर छूना बना दिया। पाहुने का मतलब है कि वो खास व्यक्ति है जो उस पूरे समुदाय या उस पूरी जगह के लिए सम्मानित है। ऐसे ही जो भिक्खु संघ है, श्रावक संघ है, वो पाहुने हैं, पाहुने योग्य हैं कि उनको हर जगह हर बात के लिए हर भिक्कुर भिक्कुणी को सम्मान देने योग्य हैं, सम्मान देना चाहिए। फिर आता है दक्षिणेयो या दक्षिणेयो। ये जो शब्द है दक्षिणेयो और दक्षिणेयो, इसको सारी भाषाओं में आपको एक चीज सब बताएंगे कि दक्षिणा 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 लेने योग्य है, यानी क्या है कि भिक्कु जो श्रावक संघ है भगवान का, वो दक्षिणा लेने योग्य है या दक्षिणा देने योग्य है। ये स्टेटमेंट सरासर गलत है। बेसिकली भिक्कु जो लेता है, दान लेता है, वो कभी अपने मुंह से नहीं कहेगा ये तो खैर वंदना है, ये तो त्रिरत्न है, इसकी तो बात ही अलग है, कभी अपने मुंह से नहीं कहेगा कि उसे कुछ देना चाहिए या उसे कुछ दो। वो जब पिंडदान लेने जाता है, भोजन दान लेने जाता है, तो वो चुपचाप जाके निगाह नीची करके और खड़ा हो जाता है या खड़ी हो जाती है। वहाँ जो घर का मालिक है या आता जाता किसी ने देख लिया और बोल दिया कि वहाँ भिक्कु है, भिक्कु आया हुआ है या भिक्कुणी आई हुई है, और घर के मालिक की अगर इच्छा हुई तो वो कुछ दे देगा, नहीं देगा तो कुछ समय बाद वहाँ से वो भिक्कु या भिक्कुणी चला जाएगा, अगला घर देखेगा, 5 घर देखेगा,
पांच घर में जो मिल गया उसे बिहार में ले आएगा, मिल बैठ के खा लेगा। अगर एक घर में पूरा हो गया तो फिर दूसरे घर में जाएगा भी नहीं, और अगर पांच घर में नहीं मिला तो फिर वहां से वापस बिहार आ जाएगा, जो बिहार में इकट्ठा होगा उसमें से खा लेगा, और नहीं मिलेगा तो उस दिन वो व्रत रह लेगा भोजन से। इसलिए यहाँ जो ये त्रिरत्न है या जो रत्नत्य है, इसमें संघ में ऐसा शब्द के दक्षिणेयों का मतलब ऐसा है कि दक्षिणा देने योग्य हैं, पैसा देने योग्य हैं, ये सरासर झूठा और गलत स्टेटमेंट है। बेसिकली इसका मतलब है दर्शन देने योग्य हैं, यानी उनके दर्शन लेने योग्य हैं, अगर वो आएंगे तो हमें उनके दर्शन करने चाहिए या वो दर्शन दें। तो दक्षिणेयों का मतलब है, दख का मतलब होता है दर्शन, तो दर्शन देने योग्य है सावक संघ, यानी सावक संघ इतना उच्च श्रेणी का है कि उसका दर्शन करना चाहिए, अच्छा होता है अगर कोई शुद्ध लोग इकट्ठे मिल जाए तो। एक शब्द आता है अंजलिकरणियों, अंजलिकरणियों, अंजलिकरणियों का मतलब है अंजलि माने हाथ होता है, और करणियों माने हाथ को एक तरह से सम्मान के रूप में जोड़ना की योग्य है, यानी कि सावक संघ हाथ जोड़ के सम्मान करने के लिए योग्य है। अनुत्तरंग पुंयंग खेतंग लोकिस्साती, अनुत्तरंग का मतलब है कि इनका कोई उत्तर नहीं है, ये अनुत्तर हैं और ये लाजवाब हैं, और पुंयंग खेतंग का मतलब है कि पुण्य के खेत हैं, यानी कि मैंने पहले ही बताया था कि खेत और क्षेत्र दोनों एक होते हैं, संस्कृत भाषा में खेत को क्षेत्र बोल दिया है, मगर यहाँ सब जगह आपको खेतंग मिलेगा। पुण्यंग खेत का मतलब है कि खेत में पैदावार होती है तो उससे हमारा भला होता है, ये पुण्यंग के यानी पुण्य के खेत हैं, अच्छे कामों के अच्छी भावनाओं के ये खेत हैं। कौन है लोग, लोकिस्साती यानी लोगों के लिए ऐसे हैं, भिक्कु जो सावक संघ हैं वो लोगों के लिए पुइया के पुण्य के खेत हैं, जहाँ से उनको पुण्य प्राप्त होता है, सावक संघ से पुण्य प्राप्त होता है। यह हमारी रत्नत्य की आखिरी रत्न है संघो। धन्यवाद। सुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, उजुपटिपन्नो भगवतो सावक संघो, याय पटिपन्नो भगवतो सावक संघो, सामीची पटिपन्नो भगवतो सावक संघो, यदिदं चत्तारि पुरिस युगानी अठ पुरिस पुगल्ला ऐस भगवतो सावक संघो, आहूणेयो पाहूणेयो दक्षिणेयो अंजलिकरणियो अनुत्तरं पुञ्यं खेतं लोकिस्साती।